हेलो, वेलकम टू द 7 मिनट चैनल गाइस। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर आप सभी के साथ एक नई ट्रिक को लेकर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिकल वेन डायग्राम का जो ट्रिक्स है उसको पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आप लोग मेरा जो है यूट्यूब का शेड्यूल है इसको फॉलो कर सकते हो। आप लोग मेरे साथ डेली क्लासेस में जुड़ सकते हो। ये फ्री क्लासेस अनअकैडमी पे मेरी चलती हैं, ठीक है। इन फ्री क्लासेस में भी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, तो रितिका तोमर नाम से फाउंडेशन बैच मेरा रीजनिंग का स्टार्ट हो चुका है। आप लोग उस वाले बैच से भी जुड़ सकते हो, फाउंडेशन बैच से, ठीक। 7 सितंबर से स्टार्ट है ये बैच। आप लोग को मदद करेगा एसएससी, रेलवेज और स्टेट लेवल के एग्जाम्स। ओके, उसके बाद बात करते हैं आप लोग को इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करना चाहिए जो कि रितिका 10 है, ठीक है। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएं, रितिका 10 कोड यूज करें और सीधे सीधे सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज हम लोग पढ़ते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। भाई, लॉजिकल वेन डायग्राम का मतलब है एक सवाल आएगा ही, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, या फिर किसी भी जो है आपका किसी भी लैंग्वेज का, ठीक है, किसी भी आप लोग के एग्जाम का। ओके, बेसिकली हमें यहाँ पे 3 एंटिटीज दी जाती हैं, उनके बीच में सही संबंध हमें पता करना होता है कि क्या होगा, है ना। जैसे कि सबसे पहला जो है हमारा टाइप 1। 3 तरीके के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, 3 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। यूनिवर्सल अफर्मेटिव का मतलब होता है जब तीनों एंटिटीज आपकी एक दूसरे के अंदर समाहित होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जब हमारी तीनों के तीनों एंटिटीज जो है वो हमारी एक दूसरे के अंदर समाहित होती है, राइट। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स देखे जाए। जैसे वर्ल्ड लिखा है, इंडिया लिखा है, लखनऊ लिखा है, जाहिर सी बात है पहले वर्ल्ड आएगा, वर्ल्ड के बाद क्या जाएगा, इंडिया जाएगा, इंडिया के बाद क्या आएगा, लखनऊ आएगा, ठीक है। तो आप लोग का ऑप्शन बनना चाहिए कौन सा, बी वाला, राइट। तो आप लोग का बी वाला आंसर यहाँ पे सही जाएगा। अच्छा, उसके बाद कंट्री, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट के बीच, मतलब आप सभी लोग जानते हैं भाई इस कंट्री के अंदर स्टेट आता है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट आता है, बी वाला बनेगा। मतलब अगर हमें एंटिटीज के बीच का सही संबंध हिंदी में पता है ना, तो आप लोग मेरे साथ आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब भाई बात करते हैं फूड, पोटैटो, वेजिटेबल। 100% बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं, लेकिन है क्या, अरे भाई जितने भी पोटैटो हैं वो सारे किसके अंदर आएंगे, वेजिटेबल्स के अंदर। जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो सब किसके अंदर आएंगे, फूड के अंदर। फाइनल आंसर क्या बनेगा, बी वाला बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। चलो सेम भाई यूनिवर्सल, अब आप लोग कहोगे मैडम सारे यूनिवर्सल अफर्मेटिव के दूसरा टाइप भी सिखाऊंगी, तीसरा टाइप भी सिखाऊंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो डेज, मिनट्स और सेकंड का मतलब समझ रहे हो कि भैया यहाँ पर डेज के अंदर आते हैं, मिनट मिनट के अंदर आते हैं, सेकंड फिर से बी वाला ही तो आंसर बनेगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव, मतलब समझते हो, जब तीनों एंटिटीज का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, तीनों अलग अलग होती है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है, समझ गए। जैसे कि शुगर, वाटर, सॉल्ट, अब आप कहोगे मैम इन तीनों को तो मिलाया जा सकता है, शरबत बना के पी लेंगे, नहीं भैया ऐसा नहीं, इनका नेचर जो है ना, जो इनका आकार है, जो इनका शेप है, जो इनका नेचर है, जो इनका क्या कहते हैं व्यवहार है, ठीक है। शुगर माने मीठा है, नमक माने सॉल्ट, वाटर अलग है लिक्विड फॉर्म में, क्या होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्रिकेट, चेस, हॉकी हैं तो सारे गेम्स, लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं, सी आंसर आएगा, राइट। चलो वुमेन स्कूल चले, अब तुम लोग कहोगे मैम कुछ बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं ये सब, लेकिन क्या कभी कोई महिला स्कूल हो सकती है, नहीं। क्या कोई स्कूल चिल्ड्रन हो सकता है, नहीं। क्या कुछ बच्चे महिलाएं हो सकते हैं, नहीं। तीनों का आपस में क्या रिलेशन, भैया सी तो आएगा ना यहाँ पे आंसर, ठीक है। तीसरी कैटेगरी क्या थी, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब जब तीनों एंटिटीज का एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा सा रिलेशन बने, सम का केस बने, मतलब कुछ ए हमारे बी में चले गए, कुछ बी हमारे सी में चले गए, तो आपका इस तरीके का रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि सिंगर, गर्ल्स और डांसर्स, अब तुम लोग खुद ही सोचो ना, कुछ सिंगर गर्ल्स भी होती हैं, कुछ गर्ल्स डांसर्स भी होती हैं, होती कि नहीं, कुछ डांसर सिंगर भी होते हैं, तो आंसर तो भैया पहला वाला बनना चाहिए, ए वाला बनेगा कि नहीं, ठीक है। चलो एथलीट्स, फुटबॉल प्लेयर्स और क्रिकेट प्लेयर्स का मतलब समझ रहे हो, एथलीट्स का मतलब है जो धावक होते हैं ना, जो हमारे स्पोर्ट पर्सन होते हैं, उसको हम लोग एथलीट्स बोलते हैं। तो कुछ एथलीट्स फुटबॉल प्लेयर भी हो सकते हैं, कुछ फुटबॉल प्लेयर आपके क्रिकेट प्लेयर्स भी हो सकते हैं, कुछ क्रिकेट प्लेयर्स आपके एथलीट्स भी हो सकते हैं। तो आप लोगों का डायग्राम जो होना चाहिए वो पर्टिकुलर वाला, मतलब पहला वाला, ठीक है। चलो ठीक है, अगला, टेनिस फैंस, क्रिकेटर्स और स्टूडेंट्स, मतलब नहीं समझे, अरे भाई जो टेनिस फैन है तो क्या वो क्रिकेटर नहीं हो सकता, और जो क्रिकेटर है तो क्या वो स्टूडेंट नहीं हो सकता, और जो स्टूडेंट है तो क्या वो टेनिस फैन नहीं हो सकता, हो सकता है तीनों का रिलेशन कुछ हो, लेकिन सारे स्टूडेंट्स क्रिकेटर नहीं हो सकते, सारे क्रिकेटर टेनिस फैन, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा हम लोग रिलेशन बना के चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ पर आंसर क्या बनना चाहिए, ए बनना चाहिए। नेक्स्ट भाई, अब ये तो वही वाला है हम लोगों ने अभी किया था, लेकिन फिर भी गलत ना हो जाए इसलिए मैं बता देती हूँ। सारे एप्पल यहाँ पर आते हैं आपके फ्रूट्स के अंदर, और जितने भी फ्रूट्स हैं वो आते हैं आपके फूड प्रोडक्ट्स के अंदर, तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या बनना चाहिए, ए बनना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया, ये तीन कैटेगरी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। टाइप 1 माने यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जब तीनों एक दूसरे के ऊपर होंगे, एक दूसरे के अंदर होंगे,
दूसरा यूनिवर्सल नेगेटिव माने तीनों का कोई संबंध नहीं है। फिर तीसरा आता है आपका पर्टिकुलर्स, शब्दों को सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद उनके बीच का रिलेशन फाइंड करो कि असल रियल में इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। जब आप लोगों को पता चल जाए फाइनली आंसर, और आंसर हमेशा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन करना है। क्या आंसर हमेशा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ही करोगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा भैया। इसीलिए आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नई ट्रिक्स के साथ, रितिका मैम के साथ रीजनिंग। और हाँ, मेरी क्लासेस अगर डेली अटेंड करनी है ना, अभी एनटीपीसी की परीक्षा चल रही है भैया, 15 दिसंबर हमारा टारगेट है, तो आप लोग मेरे साथ डेली जुड़ सकते हो शाम को 5:30 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल है यूट्यूब का, सर्च करो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। शाम को 5:30 बजे धमाकेदार क्लास चलती है भैया, 1000 से ज्यादा लोग देखते हैं उस क्लास को, आप लोग भी जुड़ सकते हो, मजा आ जाएगा। तैयारी में टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैंने बताया कि मेरी फ्री क्लासेस का टाइम है एसएससी और एनटीपीसी के लिए 4:00 बजे एन अकेडमी लर्निंग ऐप पे, आप लोग मुझे सर्च कर सकते हो रितिका तोमर के नाम से। किस नाम से? रितिका तोमर, ओके। किसी भी कैटेगरी में कर लो, मेरा नाम मिल जाएगा, मुझे फॉलो करो और मेरी क्लासेस को अटेंड करो। ये मेरी फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स है, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ओके। फाउंडेशन बैच के बारे में मैंने बताया है आपको, जो एसएससी कैटेगरी रेलवे और स्टेट एग्जाम्स के लिए है, 7 सितंबर से शुरू हुआ है। जैसे ही आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पे दिख जाएगा ये कोर्स, ये है मेरी प्रोफाइल और ये है मेरा कोर्स, फाउंडेशन कोर्स। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके रितिका 10 कोड का अप्लाई करके RITIKA10 विदाउट एनी स्पेस कैपिटल में जरूर इसको फॉलो करें। और सबसे पहले क्या कर सकते हो, अदरवाइज दूसरा आप लोगों का ये भी है कि भाई आप लोग जब जाओ होम पेज पे, कैटेगरी चूज करो, एसएससी प्लस के ऑप्शन पे जाने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद 12 मंथ्स टाइम चूज करिए, 1 साल के लिए रितिका 10 यहाँ पे अप्लाई करिए, प्रोसीड टू पे करोगे तो यहाँ पे फ्री कॉइन्स भी आपको मिल जाएंगे लगाने के लिए। अपने फ्री कॉइन्स सबसे लास्ट में अप्लीकेबल करने के बाद आप लोग चूज अपना पेमेंट मेथड कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालने के बाद सीधे सीधे आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे शानदार सी ट्रिक लेकर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद 7 मिनट ट्रिक्स चैनल गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।